तो हम लोग आज की सेशन में ये देखेंगे कि क्या क्या ऐसी खासियत है, क्या क्या ऐसी क्वालिटी है जो एज ए लीडर हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो कमियां आपके अंदर है, आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको सही करने का। लीडरशिप क्वालिटी किसी एक दिन की प्रोसेस नहीं कि एक दिन के ट्रेनिंग में मैं आपको 10 20 15 पॉइंट बता दूंगा और वो पॉइंट आप डेवलप कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग केवल आज के लिए नहीं है कि आज आप ट्रेनिंग सीख के लिख के और प्रवचन जैसे आप यहां से चले जाएंगे काम हो जाएगा। एक एक नोट्स बनाते जाना और खास करके वो नोट्स जरूर बनाना जो कमियां आपके अंदर है। सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो कमियों का नोट्स जरूर बनाना जो कमियां आपके अंदर है और आपको लगता है कि अगर इस कमियों को हम दूर कर ले तो हमारी अंदर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छे से निखर जाएगी। एक दिन में कोई लीडर्स नहीं बन सकता, लेकिन अगर एक दिन में एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करने का अगर प्रोसेस हमने बना लिया तो दोस्तों आने वाले एक साल के अंदर आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो नींद आएगी, सोने मत देना, क्योंकि टोपाज एंड एवोबो मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी आंखें कमजोर नहीं है, मैं भी ऑपरेशन करा के आंखें बिल्कुल HD क्वालिटी का बना रखा हूं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एक्चुअल पहले पता नहीं था कि पैसा से आंख नाक सब बन जाता है, लेकिन जब SLPS में आया तो पता चला कि कुछ भी संभव हो। पहले मैं चश्मा लगाता था, अभी नहीं लगाता हूं ना, है ना, ये पैसे का गेम है भाई साहब, सब कुछ संभव हो जाता है। तो अभी मैं भी HD क्वालिटी का देख पा रहा हूं, पहले चश्मे से दिखाई देता था। तो कोई सोएगा तो मैं पकड़ लूंगा बहुत आसानी से, और जो सोया उसकी पूरी 2 दिन की ट्रेनिंग से उसको आउट कर दिया जाएगा। इसलिए बी अलर्ट एंड बी प्रिपेयर। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ताली बजाने का अगर मौका मिले, मन करे तो जोरदार तरीके से तालियां बजाना। हाँ, ऐसी तालियां होनी चाहिए ताकि ये जो पूरी सेशन है ना, ये पूरे सेशन में भी गर्मी बिल्कुल पैदा हो जाना चाहिए। समझ मारा है? और उस क्वालिटी को नोट करते हुए हमें चलना है जो गलतियां जो कमियां आज तक हम लोग करते आए हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने अक्सर देखा है लोगों की टीम बनते हुए और गिरते हुए। अक्सर ये शिकायतें हमारे साथ आ रही थी लगातार कि सर मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती। अक्सर ये शिकायतें आ रही थी कि सर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन टीम अनसिस्टमेटिक है। मैंने एक दिन अपने लीडरों से बात की, मैंने विकास जी से पूछा कि सर टीम में क्या क्या कमियां हैं मुझे बताओ, तो आपके विकास जी ने मेरे पास 20-30 पॉइंट लिख के दे दिए, सर ये कमियां हैं। मैंने बोला ये कमियां नहीं है मेरे दोस्त, ये कमियां नहीं है, एक्चुअली ये एजुकेशन का अधूरा पार्ट है जो रह गया है। अब पहले क्लास के बच्चे को हम बोले कि सर ये बच्चा पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानता, ये कोई बढ़िया सा मैथ का हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, आप बताइए उस बच्चे के अंदर कमियां हैं या नेचुरल चीज है? नेचुरल है, फर्स्ट क्लास का लड़का कभी जान नहीं पाएगा, हाँ या ना? यस या नो? किसी ने बोला कि सर मैं टीम के लड़के को फोन करता हूं, सर फोन सही से रिप्लाई नहीं करता, तो ये कमियां नहीं है, वो अभी प्रोसेस में गया ही नहीं आपका लड़का, इसलिए ऐसे वो रिप्लाई नहीं करता। कुछ लोग बोले सर मेरा बंदा पैसा भी कमा रहा है, सब कुछ बढ़िया है सर, लेकिन जिम्मेवारी नहीं ले रहा है ना अंकुर जी, ऐसा हो रहा है ना, जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, तो इसलिए जिम्मेवारी नहीं ले रहा है क्योंकि बेचारा वो अभी जिम्मेवारी लेने लायक बना ही नहीं। तो बनाना किसका काम है? ये हमारा और आपका काम है। यस या नो? हर घर में ना अलग अलग बच्चे होते हैं, कोई बच्चा 2 साल के अंदर चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 3 साल के अंदर चलना शुरू कर देता है, और कोई बच्चे में अगर फॉल्ट हो तो 5-5 साल में भी चल नहीं पाता, फिर भी माँ बाप चलाने की प्रोसेस को कभी खत्म नहीं करते। कर देते हैं क्या? आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसको चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के 2 कदम चलाते हो, गिर जाता है, क्या करते हो? उठाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर गिर जाता है, फिर क्या करते हैं? फिर उठाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर गिर जाता है, फिर क्या करते हो? अजी, फिर उठाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर गिर जाता है, फिर क्या करते हैं? कब तक चलाते हैं? और कभी गलती से पता चले कि मेरे बच्चे का तो पैर ही खराब है, नेचुरली ये अपंग है, अपाहिज है, फिर क्या करते हैं? इलाज कराते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, उसको ब्रेन डॉग देते हैं, किड डॉग देते हैं, थंडर ब्लास्ट देते हैं, चाहे जो भी प्रोडक्ट हो हम लोग इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन उसको छोड़ते क्यों?
क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मेरा खून है, मैंने उसको पैदा किया है, इसलिए उसको चलना सिखाएंगे। एक टीम का बंदा भी हमारे साथ ऐसे आता है, ऐसे हमारे साथ ज्वाइन होता है, नौकरी के शिकंजे से थका हारा बेचारा घूम रहा होता है, वैसे टाइम पे आप उससे मिलते हो और उसको इस बिजनेस के बारे में जानकारी देते हो, उसको समझाते हो कि जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें आप बताते हो। यस या नो? हाँ या ना? यस या नो? आपके बातों पे विश्वास करके, भरोसा करके वो लड़का ज्वाइन हो जाता है आपके साथ। धीरे धीरे आप बोलते हो यार लोगों से मिलवा, लोगों से मिलवाने लगता है, धीरे धीरे गोल्ड बन जाता है, धीरे धीरे सिल्वर बनता है, प्लेटिनम बनता है, एमराल्ड बनता है और टोपाज बन जाता है। उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि डेली ला के हमारे चरणों पे गिरे और डेली प्रणाम करे, गुरु जी की जय हो, आप बोलिए मुझे क्या करना है। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? संभव है क्या? है क्या संभव? नहीं संभव है, क्योंकि सब कुछ हुआ, सेल गई, लेवल बढ़ी, सब कुछ हुआ, ये नहीं बढ़ा। हमने उसके कपड़े चेंज करवा दिए, सैलून में ले जाके उसकी पूरी हेयर स्टाइलिंग चेंज करवा दी, मुखड़ा चेंज करवा दिया पॉलिश वॉलिश करवा के, लेकिन ये नहीं चेंज करवाया, वो तो बदला ही नहीं। यस या नो? एहसास ही नहीं हुआ उसके दिमाग में अभी भी जो मेंटलिटी है वो जॉब मेंटलिटी भरी हुई है, उसके दिमाग में अभी भी यही है मिलवाओ बेचो और खाओ, मोटी चीज तो है ही नहीं। वो प्लान में भले 70 करोड़ चिल्ला रहा है, लेकिन आज भी एक्चुअल उसके दिल दिमाग में तो विश्वास ही नहीं है कि 70 करोड़ आएगा। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ? फिर भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हर वो चीज करना शुरू कर दे जो मैं करता हूं। खास करके ये कंप्लेन मुझे आते हैं जो सफायर रैंक के लीडर हैं, स्टार सफायर रैंक के लीडर्स हैं और हमारे डायमंड हैं, उनका कंप्लेन आता है कि सर मेरी टीम ऐसे कर रही है। दोस्तों अगर आपकी टीम ऐसी हरकत करती है आपको खुश हो जाना है, क्योंकि बेटा शादी लायक हो गया है, अब उसका ट्रीटमेंट ट्रिपल टी में कराना पड़ेगा, उसके लेवल डेवलप करनी पड़ेगी, कोई मारा है उसको, अब तैयार करना पड़ेगा मेंटली, जिम्मेदारियों का एहसास कराना पड़ेगा उसको, और वो जिम्मेदारियों का एहसास तब होगा जब उसके अंदर हम सारे लोग ट्रू लीडरशिप क्वालिटी ला देंगे। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 31 मेजर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, जो एसेंशियल क्वालिटी लीडरशिप की क्या क्या चीजें है, जो अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा आता है। उससे पहले मैं फिर एक बात रिपीट करना चाहूंगा, विदाउट क्वालिटी आपका बिजनेस कभी स्पीड नहीं पकड़ सकता है। कुछ लोग इन क्वालिटी को अपने अंदर लाने से डरते हैं, कुछ लोग इस क्वालिटी को अपने अंदर अप्लाई करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं ये काम मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों एकाएक नहीं हो सकता, आज बैठ के सोचने से नहीं हो सकता। लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, जो एक दिन का प्रोसेस नहीं, कई दिनों तक जब लगातार आप बातों को फॉलो करते रहेंगे तब ये लीडरशिप क्वालिटी, तब ये प्रोसेस आपके पास आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये एनालाइज करना है कि इस पूरी क्वालिटी के अंदर, ये सारी एसेंशियल क्वालिटी के अंदर आप कहां कहां किस किस पॉइंट पे गलतियां करते आए हैं। और सबसे पहली जो लीडरशिप क्वालिटी है वो क्या है? सोना नहीं, करेक्टर। क्या है? करेक्टर। शुरुआत यहीं से होती है, हमारी करेक्टर कैसी है शुरुआत यहीं से होती है। बिजनेस में काम करना और ना करना टोटली डिपेंड करता है आपके करेक्टर के ऊपर। बिजनेस में टिकना या छोड़ के भाग जाना ये डिपेंड करता है आपकी करेक्टर के ऊपर। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आप टिकोगे नहीं तो आगे का प्रोसेस होगा कहां से। कई लोग इसमें ऐसे हैं जो 4 दिन काम करते हैं और 5वें दिन से नर्वस हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस थोड़ा सा ठीक ठाक चलता है, बहुत खुश रहते हैं, और जैसी खराब होता है उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। है या नहीं? यस या नो? चट्टान की तरह बने रहो, मजबूत बने रहो। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं कि जब एक बार लाइफ में डिसीजन बनाया था कि नहीं मुझे एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करके अपनी करियर बनाई है, तो उस समय तू कहां था कि बाद में तेरा करेक्टर हिलना डुलना शुरू कर देता है, बाद में आपकी डिसीजन से हिलनी डुलनी शुरू हो जाती है।
इसका मतलब हम अस्थिर क्वालिटी के हैं, अस्थिरता है हमारे दिमाग में। मजबूत बनाइए अपने आप को। हमेशा याद रखिएगा, हिलने डुलने वाले नाव के साथ कोई भी सवारी नहीं करना चाहता। लोग किस पे सवारी करना चाहते हैं? जो स्टेबल हो। अगर एक बस है और वो चलती हो बिहार वाला स्टाइल में, देखा है ना, इधर गड्ढा तो एक बार इधर झुकेगा ओपी साहब, पहले खास करके ऐसा होता था। इधर घंटा ऐसे बस पे सफर करना चाहोगे? जितना ऊपर उतना नीचे, हाँ ऐसे में सफर करना चाहोगे क्या? ऐसे लोग जो दो दिन बाद यहां, फिर दो दिन बाद वहां, फिर दो दिन बाद कहीं और, तो पता नहीं चलता कि तीसरे दिन होंगे कहां। ऐसे लीडर के साथ क्या आप करियर लगाना चाहोगे? स्टेबल बनाइए अपने आप को। बिजनेस चले ना चले, काम हो या ना हो, लेकिन पहले इरादों को तो मजबूत बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चट्टान की तरह बने रहो, पहली क्वालिटी है जो आपके अपने अंदर लाना पड़ेगा।